और ब्राजील घुसे। राम राम दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक के गुजर ऑफिशियल में। दोस्तों आपने भी स्टार्टिंग में वीडियो देखा होगा सिंगर देवी शंकर के सॉन्ग में, सॉन्ग का नाम है लव में मजा करे चो क्यों तकदीर पौड़ी, उस सॉन्ग में है दोस्तों। वो ट्रेनिंग में चल रहा है ये सॉन्ग, डीजे रिमिक्स सॉन्ग है दोस्तों। मैं इस सॉन्ग में स्टेटस वीडियो एडिटिंग लेके आया हूँ दोस्तों। वीडियो में दो स्टेप में पासवर्ड है, आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, कहीं स्किप नहीं करना। स्किप करोगे तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, आप पासवर्ड भी स्किप कर सकते हो, तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है दोस्तों। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइन डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन हो जाना है दोस्तों। दोस्तों मैं वीडियो बता देता हूँ आपको, आज एडिट करके बताऊंगा जो वीडियो पहले ये वाली वीडियो है दोस्तों। ये वाली वीडियो एडिट करके बताऊंगा आपको, आपको केवल वीडियो ध्यान से देख लेना है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है, ऐसे ही न्यू राजस्थानी सॉन्ग में स्टेटस वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए। दोस्तों इस तरह की वीडियो एडिट करके बताऊंगा आपको, इस तरह की वीडियो एडिट करने के लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, उस ऐप का नाम है एलेट मोशन, जो आपको प्ले स्टोर या गूगल में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना है। आपको ओपन करना है, ये ओपन कर लेना है। ओपन करेगा तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपको प्रोजेक्ट ऐड कर लेना है, जैसे प्रोजेक्ट ऐड कर लेना है, सेक्यूपेक्ट मीट मार्क डाउनलोड करके ऐड कर लेना है, फिर बीट मार्क ओपन करोगे, जैसे ओपन करोगे तो इस तरह का आएगा। आपको क्या करना है, इसमें बैकग्राउंड लेना है, तो आपको बैकग्राउंड ये वाला बैकग्राउंड सेक्यूपेक्ट में मिल जाएगा, तो आपको इसे ऐसे कॉपी करना है। ऐसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद बीट मार्क पर आ जाना है, बीट मार्क पर आना है और यहाँ पेस्ट किया, जैसे यहाँ पेस्ट किया अब इसे यहाँ तक खींच लेना है, जैसे यह टेक्स्ट यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ तक खींच लिया मैंने, खींच लिया फिर इसे नीचे कर लिया, इसे फिर वापस यहाँ से पेस्ट करता हूँ, यहाँ से टेक्स्ट चल रहा है तो यहाँ से टेक्स्ट चल रहा है, यहाँ तक है तो वापस यहाँ तक पेस्ट कर दिया इसे, वापस अब यहाँ से टेक्स्ट चल रहा है तो अब यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ तक खींच लेता हूँ, जैसे यहाँ तक खींच लिया, अब इसे यहाँ तक खींचा और नीचे कर लिया, ये अपना यहाँ तक का काम कंप्लीट है दोस्तों। अब जैसे मेरे पास फ़ॉन्ट है इसलिए हिंदी में आ रहा है, तो मैं इसे, आपके पास फ़ॉन्ट नहीं तो आपको एडिटेक्स में जाना और फ़ॉन्ट एड करके ले लेना है। अब इसमें आपको इफेक्ट देना है, तो आपको सेक इफेक्ट में आना है, सेक इफेक्ट में आओगे यहाँ ये वाली इफेक्ट मिलेगी, तो आपको इसे यहाँ से कॉपी इफेक्ट नहीं करना है, कॉपी लेयर करना है, कॉपी लेयर करना है, कॉपी लेयर करने के बाद बीट मार्क पे आ जाना है, बीट मार्क पे आना है, बीट मार्क पे आने के बाद आपको यहाँ पेस्ट टाइल पे जाना है और यह पेस्ट कर देना है, जैसे ये पेस्ट कर दिया वापस ये पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट किया, इस फॉन्ट को बंद कर दिया, ये पेस्ट कर दिया वापस, अब ये पेस्ट ऐसे पेस्ट कर दिया, आपको वीडियो को ध्यान से देख लेना है, वीडियो में आपको पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों जैसे मैं यहाँ एक फ़ोटो ले लिया, जैसे ये फ़ोटो ले लिया, ये फ़ोटो ले लिया तो इसे यहाँ तक कट कर दिया और फुल स्क्रीन कर दिया। अब वापस अब जैसे यहाँ से एक फ़ोटो और ले लेता हूँ मैं, ये फ़ोटो ले लिया यहाँ से
और यहाँ तक कट कर दिया और फुल स्क्रीन कर दिया। जैसे ये कट कर दिया, अब यहाँ तक, अब इनमें इफेक्ट देनी है आपको, तो यहाँ बे गन है सेक इफेक्ट पर। सेक इफेक्ट पे आओगे तो ये वाली इफेक्ट मिलेगी, तो आपको इसे यहाँ से कापी लेयर करना है, कापी लेयर करना है। कापी लेयर करने के बाद बीट मार्क पे आ जाना है जहाँ हमने प्रोसेस छोड़ा था। यहाँ पेस्ट कर देना है, जैसे इसका कलर बंद करके पेस्ट कर देना है ऐसे। अब जैसे इसे फुल स्क्रीन कर देना है वापस, ऐसे आ जाएगा। वापस आपको आगे आना है, आगे आना और यहाँ पेस्ट ऐड कर देना है। अब जैसे यह ज़्यादा फुल स्क्रीन हो जाता है, आपको चित्र भरे यहाँ तक फुल स्क्रीन कर देना है। फिर आपको यहाँ मोनी ड्रेसर पर जाना है, थोड़ा बड़ा कर देना है, ये बड़ा कर लिया। उसके बाद में आप दोस्तों आपको यहाँ फ़ोटो लेनी है, जैसे मैं फ़ोटो ले लेता हूँ, ये वाली फ़ोटो ले लिया, तो अब इसे मैं यहाँ तक कट कर लूँगा, यहाँ तक कट कर लिया। वापिस यहाँ तक खींच लिया, उसके बाद में अब मैं वापिस इसे फुल स्क्रीन कर लिया। अब जैसे दूसरी फ़ोटो लिया ये, तो इसे मैं यहाँ तक खींच लिया और ये फुल स्क्रीन कर दिया। और वापिस जैसे एक फ़ोटो मैंने और ले लिया, ये ले लिया, ये कट कर दिया और फुल स्क्रीन कर दिया। अब जैसे ये फ़ोटो ले लिया मैंने यहाँ तक, तो भी इसे यहाँ तक ये कर दिया। अब दोस्तों आपको इनमें इफेक्ट देना है, तो आपका बैग आना है सेक इफेक्ट में। सेक इफेक्ट में आओगे तो आपको ये वाली इफेक्ट मिलेगी, तो आपको इसे यहाँ से कापी करना है। इफेक्ट कापी कर लेना है, इफेक्ट कापी करने के बाद बीट मार्क पे आ जाना है, बीट मार्क पे आना है और हमने जहाँ प्रोसेस छोड़ा था वहाँ आ जाना है। जैसे यहाँ छोड़ा था, तो अब यहाँ आपको पेस्ट कर देना है। अब जैसे ये इस तरह आएगा। वापिस यहाँ पेस्ट कर दिया और एक बार हो गया पेस्ट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पेस्ट, अब इसे थोड़ा बड़ा कर लेना है, इसे बड़ा करना है जैसे यहाँ तक किया बड़ा, ऐसे यहाँ तक बड़ा किया। अब ये केक यहाँ तक आ रही है, थोड़ा और छोटा कर लेना है जैसे यहाँ तक। अब ये यहाँ तक आ रही, तो आपको क्या करना है, यहाँ से कट कर देना है, जैसे ये कट कर दिया। उसके बाद में आप दोस्तों आपको यहाँ ये वाली देनी है, ये बीच में ये गैप वाली, तो आपको ये कॉपी कर लेना है। जैसे ये कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद बीट मार्क पे आ देना है, बीट मार्क पे आना है और यहाँ हमने प्रोसेस छोड़ा था यहाँ आ जाना है। यहाँ अब मैं यहाँ जैसे ये फ़ोटो ले लेता हूँ, ये डीजे की फ़ोटो ले लिया, डीजे की फ़ोटो ले लिया। फ़ोटो लेने के बाद अब यहाँ तक कट कर दिया, कट करने के बाद फुल स्क्रीन कर लिया। फुल स्क्रीन करने के बाद अब मैं इसे थोड़ा यहाँ वो इफेक्ट पेस्ट कर देता हूँ, कलर बंद करके पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद अब ये जैसे फुल स्क्रीन से हट जाए, तो इसे फुल स्क्रीन कर लिया मैं, ये देखो इस तरह फिर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ से मैं अगले यहाँ फ़ोटो ले लेता हूँ, जैसे मैं ये फ़ोटो ले लिया और इसे फुल स्क्रीन कर दिया। वापिस सेकंड फ़ोटो ले लिया, ऐसे मैं तीन फ़ोटो ले लेता हूँ दोस्तों, ये ले लिया तीन फ़ोटो। अब इनमें आपको इफेक्ट देने, तो आपको सेक इफेक्ट में आ जाना है। सेक इफेक्ट में आओगे जैसे, तो ये वाली इफेक्ट मिलेगी, तो आपको इसे यहाँ से कॉपी कर लेना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद बीट मार्क पे आ जाना है, बीट मार्क पे आने हैं और जहाँ हमने प्रोसेस छोड़ा था वहाँ आ जाना है। जैसे अब यहाँ छोड़ा था, तो यहाँ पेस्ट कर देना है। यहाँ पेस्ट कर दिया इसे, आपको यहाँ 30-31 सेकेंड तक पेस्ट कर देना है। उसके बाद में आपको फर्स्ट में आना और अपनी लोगो लेनी है। जैसे मैं ये अपनी लोगो ले लिया,
ये दोस्तों अपना वीडियो एडिट हो चुका है, वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में बता देना। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है ऐसे न्यू राजस्थानी सॉन्ग में स्टेटस वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए। यहाँ से सेव कर देना है वीडियो को। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगले वीडियो में।